इधर जाएं कि इधर जाएं, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये तो कहीं ना कहीं इसका फायदा किसी तीसरे को ही होगा फिर ऐसे। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनको एक मौका मिला था, समाज ने उनको सर्वोच्च पद पर बैठाया, चार बार सीएम बनाया, लेकिन अब क्या है, अब समाज की जो मांग है वो है भाई चंद्रशेखर। तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि इसका मकसद सिर्फ युवाओं को भटकाना है। आकाश आनंद भी ये बात बोल चुके हैं। देखो आकाश, आप लोग क्यों भटक रहे हो भैया? नहीं, हम बिल्कुल मानते हैं ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते आते हैं, राजनीति का दौर है, राजनीति में ये हमेशा ऐसे रहे हैं। देश में आज प्रधानमंत्री मोदी है, आरोप प्रत्यारोप वहां पर भी लगते हैं, गलत सही कोई भी हो सकता है। वो जागरूक कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हो कि लोगों को भटका रहे हो? नहीं नहीं, कह तो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को जागरूक, आपको भटका रहे हो, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये जो कह रहे हैं उनकी एक मानसिकता, एक बीमारी है, सोच है, गंदी सोच है। सिर्फ चंद्रशेखर भाई, सिर्फ चंद्रशेखर भाई, सिर्फ वही है एकमात्र हमारे पास विकल्प, राजनीति मिलाने का भी और सामाजिक न्याय का भी। आप क्यों भटक रहे हो? भाई के साथ हैं हम तो, जो भाई कहेंगे हम तो वहीं जाएंगे। नरेश सागर, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष फरीदाबाद से हूँ, और साथ में हमारी जो टीम है वो आई हुई है यहाँ पे। राजस्थान प्रदेश में लगातार जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं वो लगातार आ रही हैं, तो उसका समाधान कैसे हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखो, जो राजस्थान में दलितों पर उत्पीड़न जो हो रहा है, कहीं पाली घटना ले लो आप, इंद्र मेघवाल घटना ले लो, जितनी भी आए दिन दो चार दिनों के अंदर में कोई ना कोई हम केस सुनते हैं, किसी को जला दिया गया, किसी को मूछों पे, किसी मटके मार दिया गया है। इसकी रोकथाम के लिए सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है चंद्रशेखर भाई आज़ाद। क्योंकि चंद्रशेखर भाई आज़ाद को लाना है तभी ये रोकथामें रुकेंगी, तभी ये उत्पीड़न जितने भी हो रहे हैं तब रुकेंगे, वरना रुकने वाले नहीं हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या समाधान देख रहे हो आप दलित उत्पीड़न की जो घटना है प्रदेश में, उसका समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, और जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, हम इसको एक सामाजिक न्याय परिवर्तन की तरफ देखते हैं, और जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसके बेस पे ही हम लोग राजनीतिक परिवर्तन करेंगे, और जब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इन चीज़ों का समाधान नहीं होगा। क्योंकि सत्ता में बैठे पक्ष के जो लोग हैं वो हमेशा से ही बहुजन समाज पर, बहुजन कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार करते आए हैं, करते रहेंगे। तो सबसे पहले पकड़ हमें बनानी है अपने वोटर पे, अपने बहुजन समाज को जगाना है, और जगाने के बाद में हमें एक राजनीतिक परिवर्तन की तरफ बढ़ना है, और वही काम हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। अगर आपको मैं याद दिला दूँ तो भाई ने अकेले यात्रा स्टार्ट करी थी, और आज उनका कहना है कि हर घर में भाई चंद्रशेखर है। यहाँ पे जिन भी भाइयों के गले में नीले गमछे हैं उनका नाम रोहतास, आकाश, परवीन, गौतम नहीं है, वो अपने आप को चंद्रशेखर भाई मानते हैं, क्योंकि भाई के कदमों निशान पे चलते हैं, और एक परिवर्तन की ओर हम लोग अपने देश को बदलने की परिवर्तन की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, समय ये भी आ सकता है कि समाज में दो फाड़ हो सकते हैं, जिस तरह की स्थिति प्रदेश में दिख रही है, क्योंकि इसी प्रदेश में आकाश आनंद भी लगातार अपनी सभाएं कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार निरंतर सभाएं कर रहे हैं, और अभी तो सभाएं होंगी, तो ये समाज कहीं ना कहीं एक तरह से उस मोड पे आ जाएगा कि इधर जाएं कि इधर जाएं, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये तो कहीं ना कहीं इसका फायदा किसी तीसरे को ही होगा फिर ऐसे। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जब एक परिवार में चार भाई होते हैं तो वो अगर परिवार से अलग होकर अपना रोजी रोटी कमाते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए अलग रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं परिवार के सदस्य नहीं है, वो मरते जन्म से लेकर मरते दम तक परिवार के सदस्य रहते हैं। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज की, पार्टी हमारी कोई भी हो, बीएसपी पार्टी, हम लोग बिल्कुल कहते हैं कि बीएसपी पार्टी ने काम करा था, बिल्कुल करा था, बहन जी हमारी थी, आज भी हमारी है, बट अब ये क्या है कि हम बात कर रहे हैं परिवर्तन की। उनको एक मौका मिला था, समाज ने उनको सर्वोच्च पद पर बैठाया, चार बार सीएम बनाया, लेकिन अब क्या है, अब समाज की जो मांग है वो है भाई चंद्रशेखर। लेकिन समाज की मांग आकाश आनंद भी तो हो सकती है आगे जाकर के। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि भाई जो आकाश है वो अपने हैं, लेकिन आप समझो उनको बने बनाया प्लेटफॉर्म मिला है, वो गद्दी के मालिक अपने आप को मान रहे हैं, और जो भाई है वो ये कहते हैं कि मुझे गद्दी नहीं चाहिए, हम एक राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हैं, हमें समाज को बदलना है, समाज को सुरक्षित रखना है, और सुरक्षित हाथों में कौन रखेगा, जो ताकतवर होगा। अब ताकत चाहे सत्ता की हो या समाज की हो, ताकत हमें चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद पे लगातार आरोप भी लगते रहते हैं कि ये एजेंट है, इसको तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं बहन जी को जो है दबाने का प्रयास है, बहन जी की राजनीति को ध्वस्त करने का और दलितों को भटकाने का, उन पर झूठे फर्जी मुकदमे, तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि इसका मकसद सिर्फ युवाओं को भटकाना है। आकाश आनंद भी ये बात बोल चुके हैं। देखो आकाश भाई, आप लोग क्यों भटक रहे हो भैया? नहीं, हम बिल्कुल मानते हैं ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते आते हैं, राजनीति का दौर है, राजनीति में ये हमेशा ऐसे रहे हैं। देश में आज प्रधानमंत्री मोदी है, आरोप प्रत्यारोप वहां पर भी लगते हैं, गलत सही कोई भी हो सकता है, हम किसी को गलत नहीं ठहरा रहे, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है सामाजिक न्याय व्यवस्था को सही रखना, अपने देश को सही हाथों में लेकर चलना, और उसके लिए राजनीतिक भागीदारी बहुत आवश्यक है हमारे लिए, कोई भी अलग नहीं है, बहुजन समाज हमारा एक ही है,
और हम सबको एकजुट करके रहेंगे। बहुत जल्द आप देखोगे सामाजिक जो परिवर्तन है वो राजनीतिक परिवर्तन में बदलता हुआ नजर आ जाएगा आपको, आने वाले चुनाव में स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। इसका आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो प्रधानमंत्री उनके सलाहकार हैं उनके बयान आपने देखा होगा, उसके अंदर में वो लोकतंत्र जो जैसे संविधान है संविधान को बदलने की बात करते हैं। आप बताइए इसके बाद जो चंद्रशेखर भाई उठा रहे हैं, हमारे पास एक संविधान तो है जिससे पूरा देश चल रहा है, जो एक संविधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उससे तो हम लोगों ने बहुत सपने देखे हुए हैं। हमारे जो संविधान उसकी जो बदलने की बात हो रही है, इसका मतलब है वर्तमान सरकार है चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही एक ताली के जट्टे बट्टे हैं, तो दोनों की सहमति है ना। विपक्ष का काम था कि इस पर विरोध करा जाता, लेकिन हम लोग चंद्रशेखर भाई है वो सिर्फ हम अपना संविधान बचाना है और दलितों के जो उत्पीड़न हो उसकी रोकथाम करनी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ सिर्फ इसका एकमात्र चंद्रशेखर ही है जो इसकी रोकथाम कर सकते हैं जितने भी उत्पीड़न हो रहे हैं, इसलिए चंद्रशेखर भाई को लाना है। जो अभी देख रहे हो आप जो सामाजिक न्याय परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हम सामाजिक न्याय परिवर्तन के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक कर रहे हो कि लोगों को भटका रहे हो? नहीं नहीं कह तो रहे हो। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को जागरूक आपको भटका रहे हो, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये जो कह रहे हैं उनकी एक मानसिकता एक बीमारी है, सोच है, गंदी सोच है। आप यहाँ पे हो, आप कवरेज शाम तक करोगे, आप देखना है कि जितने भी युवा है वो कैटराइज है और वो उनको भलीभांति अपने जो है अधिकार पता है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ सिर्फ चंद्रशेखर भाई सिर्फ वही है एकमात्र हमारे पास विकल्प राजनीति मिलाने का भी और सामाजिक न्याय पार्टी का भी। हाँ भाई आप क्यों भटक रहे हो? भाई के साथ हम तो जो भाई कहेंगे हम तो वहीं जाएंगे जी। जो भाई कह देंगे वहीं जाएंगे, तो जो भाई कहेंगे वहीं जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा भटक नहीं रहे आप? नहीं नहीं भटक रहे जी। कहाँ जा रहे हो? फरीदाबाद से। आप कहाँ जा रहे हो? फरीदाबाद से जी। अच्छा सब पूरी टीम फरीदाबाद। आप भी भटक रहे हो क्या? नहीं जी बिल्कुल, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। आज भाई दलितों के साथ शोषित जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है, भाई पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम भी भाई चंद्रशेखर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं।